जब एक बंदा कहे जी मेरे दिल में अल्लाह का बड़ा खौफ है और आंसू तो बहाए गुनाह ना छोड़े, इसका मतलब है कि खौफ नहीं है। जब खौफ होता है तो बंदा फिर दूर हटता है उसकी से। आप देखें सांप देखने में कितना खूबसूरत होता है, कभी हाथ लगाया आपने कि ये कितना बेहतरीन डिजाइन बना हुआ है, कितनी उसकी जो है ना मुलायम स्किन है, जरा पकड़ के तो देखोगे कितना बेहतर। हम क्यों दूर भागते हैं, हमें खौफ होता है, बिजली से दूर जाते हैं, सांप से दूर भागते हैं, इसलिए कि हमें खौफ होता है कि नुकसान होगा। इसी तरह जब दिल में अल्लाह का खौफ आ जाए तो बंदा गुनाहों से दूर भागता है, वो समझता है कि इससे मेरा नुकसान हो जाए। एक लफ्ज है हुज्न और एक है खौफ। हुज्न कहते हैं अंदर के गम को और खौफ कहते हैं बाहर के सदमे को। तो हुज्न इंसान को खाना पीना छुड़वा देता है, गमजदा बंदा खाने को दिल ही नहीं चाहता, बेटा फौत हो जाए ना माँ खाएगी ना बाप खाएगा खाना, ये दिल ही नहीं चाहता, कारोबार में नुकसान हो जाए खाने को दिल नहीं चाहता, तालिब इल्म फेल हो जाए खाने को सुख दिल नहीं चाहता, बीवी को खामे डांट डपट के चला जाए खाने को दिल नहीं चाहता। तो मकसद ये कि हुज्न की वजह से इंसान का खाना पीना छूट जाता है। मशायख ने लिखा खौफे खुदा की वजह से इंसान के गुनाह छूट जाते हैं। जिस तरह हुज्न की वजह से खाना छूट जाता है, इस तरह खौफ की वजह से इंसान से गुनाह छूट जाते हैं, खुद ब खुद गुनाहों से वो बचता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सबसे बड़ा आलिम वो है जिस पर गुनाहों की मुजर्रतें ज्यादा खुल जाएं। हम तो समझते हैं ना कि बड़ा आलिम वो कि जिसको बातें बड़ी आती हों, नहीं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सबसे बड़ा आलिम वो है जिस पर गुनाहों के नुकसानात ज्यादा खुल जाएं। क्यों? फिर वो गुनाहों से बचेगा। ये बड़ा आलिम।